दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर की जिसे इंडिया का मिनी जापान और उत्तर प्रदेश की शान कहा जाता है। ये शहर वर्तमान समय में काफी तेज गति से डेवलप हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निकट स्थित नोएडा की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और निकलते हैं नोएडा सिटी के वर्चुअल टूर पर। तो नोएडा, जो कि हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण शहर है, ये पूरा नगर उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक भाग तथा व्यवसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। जब भी भारत में स्मार्ट सिटी की बात की जाती है तो इस लिस्ट में इस शहर का नाम जरूर आता है। ये पूरा शहर है नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे दो भागों में बटा है, जिसमें नोएडा शहर का टोटल लैंड एरिया 203 स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा तकरीबन 380 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर अपनी बाहें फैलाए हुए है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों ही क्षेत्रों में काफी तेज गति से डेवलपमेंट हुआ, जो देखते ही बनता है। अगर आप नोएडा के सड़कों पर निकलें, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई भारतीय शहर है, क्योंकि वेस्टर्न आर्किटेक्चर के तौर पर बसाया गया ये शहर। यहाँ चारों ओर गगनचुंबीय इमारतें और बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। भाई दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि सुपरनोवा स्पायरा नोएडा में ही स्थित है। एक बहुमंजिला रेजिडेंशियल इमारत है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 300 मीटर है। और आइए अब जरा नोएडा के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालते हैं। तो नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। वहीं साल 2021 में किए गए जनगणना के आधार पर नोएडा शहर की कुल आबादी लगभग 8.7 लाख लोगों की है, जिसमें यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ के 86.53% लोग एजुकेटेड हैं, तथा इस शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 824 महिलाएं पाई जाती हैं। अर्थात पिछले कई सालों में यहाँ का रिलीजियस फिगर भी काफी तेजी से बदला है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की आबादी में 86.86 लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तथा 8.55% लोग मुस्लिम और 1.2% अन्य धर्म के लोग भी इस शहर में निवास करते हैं। वहीं नोएडा का रहन सहन भी भारत के बाकी शहरों से काफी एडवांस है, तथा इस शहर को साल 2017 में भारत के वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज में से एक होने का खिताब मिला। शहर के चारों ओर अच्छी सड़क, मॉल, मेट्रो स्टेशन और एक हरा भरा वातावरण मौजूद है। नोएडा के इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आज दुनिया की जानी मानी आईटी और रियल एस्टेट कंपनियां नोएडा में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं, अथवा करेंटली यहां पर एडोबी, सैमसंग, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। नोएडा का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम इस शहर की यातायात साधनों की बात करें तो नोएडा ट्रांसपोर्टेशन के तीनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और यहाँ का नोएडा मेट्रो शामिल है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद है। अर्थात वर्तमान समय में जेवर एयरपोर्ट के नाम से नोएडा में भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। वहीं यहाँ के सड़क मार्ग को देखें तो इस शहर में चौड़ी सड़कों का एक बेहतरीन जाल बिछा हुआ है। वहीं नोएडा शहर से होकर कई देश की महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवेज गुजरती हैं, जो इस देश के अन्य हिस्सों से एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नोएडा मेट्रो, जी हाँ, नोएडा में मेट्रो रेल सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहाँ का एक्वालाइन मेट्रो नोएडा को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देता है, तथा इसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। वहीं यदि घूमने फिरने के लिहाज से देखा जाए तो नोएडा आपके लिए एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ पर आप अक्षरधाम मंदिर, बोटानिकल गार्डन, ग्रैंड वेनिस मॉल, नोएडा हार्ट, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और ओखला बर्ड सेंचुरी जैसी जगहों पर घूम सकते हैं।